मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। अब तक हम लोगों ने स्थल मंडल का अध्ययन कर लिया है। देखो अभी एक हम एक बैकग्राउंड चेक करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। देखो हमने जो है अभी स्थल मंडल का अध्ययन किया। ये हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से स्फेराइड शेप में है जिसमें गड्ढे गुड्ढे क्या है, सब पानी भरा हुआ है। हमने किसका अध्ययन कर लिया, स्थल मंडल का अध्ययन कर लिया। इसका जहाँ पर हम लोग रहते हैं यह है स्थल मंडल, इसका अध्ययन कर लिया। अब स्थल मंडल में हमने स्थल मंडल के साथ साथ में इसकी आंतरिक संरचना का भी अध्ययन कर लिया। किसका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी अध्ययन कर लिया। और स्थल मंडल पर जो स्थल आकृतियाँ हैं उन सब का हमने अध्ययन कर लिया। अब ये वैसे बेसिकली किस में आता है, जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। ये किस में आता है, जियोमॉर्फोलॉजी में, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति, भू मतलब जमीन पृथ्वी, और आकृति मतलब पृथ्वी पर बनने वाली आकृतियाँ। तो उन सब का अध्ययन हमने कहाँ किया, स्थल मंडल पर। अब हम स्थल मंडल से ऊपर जाएंगे, स्थल मंडल से ऊपर जाएंगे अर्थात वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के गहराई में जाते हैं तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, और स्थल मंडल से ऊपर जाएंगे तो किसका अध्ययन करेंगे, वायुमंडल का। और भूगोल में इसकी एक अलग से शाखा है, भौतिक भूगोल की एक अलग से शाखा है जिसको बोलते हैं जलवायु विज्ञान। क्या बोलते हैं, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। लेकिन क्लाइमेटोलॉजी में जो है गहराई में अध्ययन होता है, लेकिन सामान्य भूगोल में आपको यहाँ पर वायुमंडल का अध्ययन करना है। किस चीज़ का अध्ययन करना है, वायुमंडल का अध्ययन करना है। तो अब वायुमंडल में हम लोग क्या क्या चीज़ अध्ययन करेंगे पहले ये समझते हैं। देखो वायुमंडल में सबसे पहला जो हमारा अध्ययन होगा कि वायुमंडल किन चीज़ों से मिलकर बना है, वायुमंडल किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्या कंपोजिशन है वायुमंडल बनने में, कौन कौन से तत्व हैं। भाई इस पृथ्वी पर तीन ही मैटर हैं, तीन ही प्रकार के मैटर्स होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इन्हीं मैटर्स से इस पृथ्वी पर वायुमंडल की रचना हुई है। और फिर जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना तीन परतों में बटी थी, ऐसे ही जब हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी स्थल मंडल से ऊपर वायुमंडल में, तो वायुमंडल भी कई परतों में बटी हुई है। अब परतों में बांटने का मकसद क्या है, क्योंकि देखो वायुमंडल का नाम ही है वायु का एक बंडल, वायु का एक बंडल जो पृथ्वी को चारों तरफ से क्या किया है, घेरे हुए है। पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, वायु के बंडल को ही क्या कहते हैं, वायुमंडल। अब वायुमंडल को पांच परतों में ऐसे बांटकर अध्ययन करते हैं जिसको बोलते हैं संरचना, जिसको क्या बोलते हैं, संरचना, स्ट्रक्चर। तो इन पांच परतों का अध्ययन करेंगे, संगठन का अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा हमारे वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह है, निचली परत है जो, जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, उसमें बहुत सारी मौसमी घटनाएँ घटित होती हैं, उसमें बहुत सारी मौसमी घटनाएँ घटित होती हैं। तापमान सूर्य का आता है तो हम लोग तापमान का भी अध्ययन करेंगे। तापमान के साथ साथ में जब तापमान आएगा तो यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जो है प्रेशर क्रिएट होगा, दाब क्रिएट होगा, दाब के क्रिएट होने से वायुदाब का अध्ययन करेंगे। वायुदाब बन जाएगा और तापमान में भिन्नता होगी तो हवाओं की भी उत्पत्ति हो जाती है हमारे स्थल मंडल में, तो हवाओं की भी जो है हम हवाओं का, पवन का भी अध्ययन करेंगे। ये भी जलवायु का ही एक भाग है, ये भी जो है वायुमंडल का ही एक भाग है। तो पवन का भी हम अध्ययन करेंगे, पवन कैसे चलते हैं पृथ्वी पर, कौन कौन सी पवने हैं, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और पवन चलेगी तो कुछ निश्चित एक राशियों में भी चलती हैं, तो वायु राशियों का अध्ययन करेंगे। वायु के समूह कहीं चलते हैं, जैसे समुद्र में जो है तरंगें चलती हैं और समुद्र में धाराएं भी चलती हैं। धाराएं क्या है, एक्चुअली समूह हैं, एक समूह में काफ़ी दूरी तक यात्रा करती हैं, उनको धारा कहते हैं समुद्री। इसी प्रकार से पृथ्वी पर भी जो है वायुमंडल में वायु राशियां चलती हैं, वायु का समूह चलती हैं एक निश्चित दिशा में, तो उसको वायु राशियां कहते हैं। तो वायु राशियों का भी अध्ययन करेंगे, एयर मासेस का भी अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो है पृथ्वी पर बादल बनते हैं जिससे वर्षा होती है, तो बादलों का भी अध्ययन करेंगे, जो भी किसका भाग है, हमारा वायुमंडल का भाग है, तो बादलों का भी अध्ययन करेंगे। बादल बनेंगे तो वर्षा भी कई प्रकार से होंगे, बादल कई प्रकार के होते हैं तो वर्षा भी कई प्रकार की होती है। वर्षा मतलब यहाँ वर्षण से मतलब है, वर्षण जिस प्रकार से तीन प्रकार के तत्व इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वैसे ही वर्षण भी तीन रूपों में होता है। एक पानी के रूप में होगा तो उसको वर्षा कहते हैं, जल वर्षा। और अगर कोहरा पड़ रहा है, फोग पड़ रहा है, तो फिर वो क्या है, जो है गैस के रूप में वर्षा हो रही है। और अगर ओले पड़ रहे हैं तो ठोस के रूप में वर्षा हो रही, तो वर्षण, इसलिए इन सारी चीज़ों को वर्षण कहते हैं। तो वर्षण भी तीन रूपों में होता है, तो उनका भी अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो है
पृथ्वी पर चक्रवात उत्पन्न होते हैं, प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी पर तमाम प्रकार के जो जलवायु पेटियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, और इन जलवायु पेटियों का पृथ्वी पर मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन के साथ साथ में पृथ्वी पर जो है और भी वनस्पतियाँ हैं, मिट्टी है, और इसके अलावा जो है लोग जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं वो कैसे जलवायु प्रभावित करती है, कैसे उत्पन्न होती हैं, तो सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर वायुमंडल के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं बारी बारी से। और इसके अलावा जो है वो चक्रवात प्रति चक्रवात बता ही दिया, तो ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे किसमें, वायुमंडल के अंतर्गत, एटमॉस्फेयर के अंतर्गत। तो इसी क्रम में पहला हमारा टॉपिक क्या है, वायुमंडल का संगठन और संरचना। संगठन अर्थात इसका कंपोजिशन क्या है, वायुमंडल किन तत्वों से मिलकर के बना है, इसी को बोलते हैं संगठन, इसी को क्या बोलते हैं, संगठन। अब हम ये सिक्स क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, सिक्स क्लास की अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें सिक्स से लेकर सेवन्थ एयर्थ वहाँ भी इस चीज़ बताई जाती है, फिर उसके बाद नाइन्थ में भी थोड़ा बहुत इसका जो है सिलेबस रहता है, फर्स्ट ईयर में तो है ही है ज्योग्राफी के सिलेबस में। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सब जगह पढ़ने का समझने का तरीका अलग अलग होता है। कंपटीशन में जो आप पढ़ते हैं वहाँ पर उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंस हो जाता है, लेकिन आधार आपको बनाना है तो उसके लिए हमको सिक्स सेवन्थ एयर्थ क्लास की किताबों को पढ़ना जरूरी रहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ों को बहुत सरल भाषा में समझाया जाता है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। नहीं तो फिर इसके लिए किताबें भी आती हैं अलग अलग जो है कंपटीशन लेवल की, जैसे एक भूगोल के नाम से किताब लिखी है, क्या नाम है उनका, देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, महेश बर्णवाल की बहुत अच्छी किताब आती है, महेश बर्णवाल ने जो है किताब लिखी है, वो स्वयं जो है एक IAS अधिकारी हैं और उन्होंने जो है जॉब में रहते हुए भी किताब लिख डाली है। हम लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं रहता है, लेकिन देखो जो एक आदमी मतलब कलेक्टर होते हुए भी किताबें लिख रहा है तो कहाँ से समय मैनेज करता है, और आज भी किताबों अपडेट करता है। महेश बर्णवाल की खासियत है कि उसकी किताब आज से नहीं 15 साल से चल रही हो किताब, और उस किताब को अपडेट करता रहता हमेशा, कोई नई घटना घटित हुई तो उसको अपने नए संस्करण में डाल देता है। नहीं तो लेखक क्या करते हैं, जो किताब छाप दिया उनकी लिख के आ गई वही चलती रहती है, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। मार्केट में अगर टिकना है तो अपडेशन बहुत ज़रूरी है, तो लेखक बहुत अच्छा है, वो अपडेट करता रहता है, तो इस तरीके से किताब आप ले सकते हो। नहीं तो फिर हम हाई हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हम पूरा करा देंगे, ज्योग्राफी में किताब भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से जो है अब वायुमंडल में हम लोग शुरू करते हैं, इसमें संगठन अर्थात किन तत्वों से मिलकर के वायुमंडल की रचना हुई है, किन किन तत्वों से मिलकर के वायुमंडल से रचना हुई, तो तीनों तत्वों से वायुमंडल की रचना हुई है। तीनों तत्व कौन कौन से हैं, अब ये इन्वेलप है, पहले तो वायुमंडल समझो क्या है, वायुमंडल क्या है, एक्चुअली ये जो है गैसों के मिश्रण का इन्वेलप है। हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से गैसों ने क्या कर रखा है, घेर रखा है, गैसों की जो है मिश्रण का इन्वेलप है। बहुत सारी गैसें हैं जिनका मिश्रण है हमारी पृथ्वी पर, और गैसों के साथ साथ में बहुत सारे ठोस पदार्थ भी पहुँचते हैं, बहुत सारे ठोस पदार्थ भी पहुँचते हैं, जिसमें रेत के कण हैं, नमक के कण हैं, रेत के कण आंधी तूफान आता है तो बहुत ऊंचाई तक पहुँच जाते हैं, और इसके अलावा जो है नमक के कण वाष्पीकरण के कारण नमक के कण भी वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि 71% क्या है, सागर है, महासागर है, जल है, तो उन जल से वाष्पीकरण होता है, तो वाष्प के साथ नमक के कण भी वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, तो ये भी तैरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, और इसके अलावा जो है गैसीय अवस्था में जलवाष्प वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से तीनों तत्व वायुमंडल में पाए जाते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन, संगठन, इन्हीं को बोलते हैं कंपोजिशन या संगठन। तो ये सब मिला करके कहलाता है वायुमंडल, ये सब मिला करके क्या कहलाता है, वायुमंडल। लेकिन प्रमुखता किस चीज़ की, गैसों की है, प्रमुखता किस चीज़ की है, गैसों की है, इसीलिए इसको वायुमंडल कहते हैं, गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है, मोस्टली गैसों का मिश्रण है। अगर गैसों की बात करें तो सबसे अधिक, अब प्रश्न यहाँ से आता है, सबसे अधिक गैस कौन सा है हमारे वायुमंडल में, नाइट्रोजन, सबसे अधिक गैस कौन सा है, नाइट्रोजन है, लगभग 78% है, लगभग 78% पॉइंट में आ जाता है कभी कभी, नहीं तो याद रखना 78.02% है, लेकिन मोस्टली 78% ही याद रखना आप। तो 78% कौन सा गैस है हमारे, गैस की बात करें तो नाइट्रोजन गैस है हमारे वायुमंडल में, सबसे अधिक कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का भी बहुत महत्व है, हर गैसों का महत्व है पृथ्वी पर। नाइट्रोजन का महत्व क्या है, जितने भी लेगुमिनस पौधे हैं ये क्या करते हैं, मिट्टी में जो है फिक्सेशन का काम करते हैं। लेगुमिनस मतलब फलीदार पौधे, जैसे मटर हो गया, राजमा हो गया, ये सब क्या है, फलीदार, ये सब लेगुमिनस पौधे हैं, इनमें लेगुमिनस नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। ये क्या करते हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को
खींच करके और जड़ों के माध्यम से कहाँ पहुँचा देते हैं, मिट्टियों में। तो मिट्टियों को भी नाइट्रोजन की पोषकता पहुँचती रहती है। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि नाइट्रोजन जो है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पृथ्वी में, जमीन में या मिट्टी में कौन फिक्स करता है, कौन उसको जो है पहुँचाता है? तो कौन पहुँचाता है? लेगुमिनस पौधे। कौन पहुँचाते हैं? लेगुमिनस पौधे। पर्यावरण में ये प्रश्न आता है, साइंस में, बायो से भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो लेगुमिनस पौधे जो फलीदार पौधे हैं, मटर हो गया और राजमा, इस तरीके से जो फलीदार पौधे हैं, उस सब क्या कहलाते हैं? लेगुमिनस। क्योंकि इनकी जड़ों में एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है जिनको लेगुमिनस कहते हैं। तो वो लेगुमिनस पौधे जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं मिट्टी में ले जा करके, उसकी पोषकता को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन। तो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करते हैं? लेगुमिनस पौधे करते हैं। तो ये 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। ये लगभग 21% की मात्रा में है। ये लगभग कितनी मात्रा में है? 28%। वैसे पॉइंट में बात करेंगे तो 20.98% समथिंग है, लेकिन मोटा मोटी हम इसको किस में पढ़ लेते हैं? 21% में। 78 और 21 कितना हो जाएगा? 99%। तो 99% सिर्फ इन दो गैसों का वर्चस्व है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन जो है बहुत महत्वपूर्ण गैस है सभी जीवधारियों के लिए, ये जीवनदायिनी है सभी जीवधारियों के लिए। हाँ, ये प्राणवायु है, जीवन देती है, तो ऑक्सीजन उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इस पृथ्वी पर जितनी भी बर्निंग क्रिया होती है, जितनी भी बर्निंग क्रिया होती है, उसको उसकी सहयोगी गैस है। बिना ऑक्सीजन का कुछ जलेगा ही नहीं। अब इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मोमबत्ती जलाओ, उसको ढक दो, ढक दोगे तो तुरंत उसमें जो है गैस बन जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बुझ जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा उसके अंदर से, तो बंद हो जाएगा वो। तो इसलिए जो है जलने के लिए सहायक, सबसे प्रमुख सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है जीवनदायिनी भी है और हमारे लिए ईंधन का भी काम करती है, ईंधन ईंधन की सहयोगी गैस भी है ऑक्सीजन। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए इसी कंसेप्ट पे तो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके हम ईंधन बना सकते हैं। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है जिससे जो है परमाणु बम, हाइड्रोजन बम तक ही बनाया जा चुका है, रशिया ने हाइड्रोजन बम भी बना लिया था। और ऑक्सीजन जो है एक सपोर्टिव गैस है, उसको जलने में सहायता करती है। जिस दिन ऐसा सेपरेटर हम बना लेंगे कि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अलग कर दें पानी में से, तो उस दिन पानी डालेंगे अपनी गाड़ियों में और किक मारेंगे चल देंगे, सेल्फ मारेंगे चल देंगे, पानी से ही चलेगी हमारी गाड़ी बाइक सब आने वाले समय में, हो सकता है। क्योंकि बस हमको ज़रूरत क्या है, ऐसे डिवाइस की खोज करने की जो सेपरेट कर सके जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, सेपरेट कर सके, उनके बॉन्ड्स को तोड़ सके और जो है ऐसे हम जो है फ्यूल जनरेट कर सकते हैं आने वाले समय में, हो सकता है, संभव है, हो जाए। तो इस तरीके से ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण गैस है हमारी पृथ्वी पर, हमारे वायुमंडल में 21% की मात्रा है इसकी। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तीसरे नंबर पे प्रश्न अक्सर आते हैं, ये दोनों तो सबको पता है, तीसरे नंबर पे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के चक्कर में रहते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या है? आर्गन गैस है। तीसरे नंबर पे कौन सी है? आर्गन गैस है। AAR इसका फार्मूला है, आर्गन गैस। तो ये तीसरे नंबर पे आर्गन गैस है। आर्गन गैस 0.98% है, 0.98% है। कौन सी गैस है? आर्गन गैस। आर्गन, हाँ, 93 या 98 जो भी है, 93%। तो ये क्या है? आर्गन, आर्गन गैस तीसरे नंबर के। तो कम से कम 3-4 नंबर गैसों को जानना जरूरी है। अब आर्गन भी एक अक्रिय गैस है। आर्गन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है या अक्रिय गैस है, तो ये इतना याद रखो, आर्गन एक अक्रिय गैस है। और इसके अलावा चौथे नंबर पर कौन सी गैस है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% है, 0.03% है। ये क्या है? और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रहे और कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो भी दिक्कत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए महत्वपूर्ण है? पेड़ पौधों के लिए। अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का ही तो इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, फिर वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो एक संतुलन बना हुआ है इस पृथ्वी पर, जो है संतुलन बना हुआ है। लेकिन संतुलन बिगड़ता कैसे है? जब उसमें हम लोग जो है अननेसेसरी अवांछित तत्वों को वायुमंडल में ज़बरदस्ती घुसेड़ते हैं। अवांछित तत्व क्या है? ज़्यादा आप पेड़ काटने लगो, पेड़ ज़्यादा काटोगे तो उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ने लगेगी, तो बैलेंस खराब होगा, क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन इनहेल कर रहा है?
पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, इधर हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री बढ़ाते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जा रहे हैं, बर्निंग बढ़ा रहे हैं, फ्यूल्स ज़्यादा जला रहे हैं और व्हीकल्स ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो उसकी वजह से फिर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसलिए जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम क्या करती है, ये जो है ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस का काम करती है, ग्रीन हाउस अभी समझाएंगे। तो ये ग्रीन हाउस गैस का काम करती है, तो पृथ्वी पर गर्माहट बढ़ती है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय गर्माहट बढ़ती है। तो इसीलिए एक कंसेप्ट आया था ग्लोबल वार्मिंग का, भौमिक गर्माहट का। तो इसलिए कहा जाता है कि वृक्ष ज़्यादा लगाओ, वृक्ष ज़्यादा लगाओ, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं, तो विकास करने में जो है इंडस्ट्री भी चलाना होगा, व्हीकल्स भी चलाना होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तो होगा ज़्यादा, लेकिन उसको जो है ख़त्म करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए पेड़ पौधे ज़रूरी था पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में लगाना आवश्यक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती हैं जो सौरिक विकिरण को तो पृथ्वी के वाय जो है भूमि पर जमीन पर पृथ्वी पर आने देती हैं, किसको, सौरिक वायुमंडल के सौरिक जो है किरणों को, सूर्य से आने वाली किरण जो होती हैं सोलर रेडिएशन होती हैं, उनको आसानी से पृथ्वी पर आने देती हैं। कुछ इस तरीके से चित्र के माध्यम से समझो, जैसे ये हमारा क्या है, सूर्य है, लाल से देखते हैं, ये हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक। अब सूर्य जो है प्रकाश तरंगों को भेज रहा है और साथ में तापमान को भी भेज रहा है, किसको भेज रहा है, तापमान को भेज रहा है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब यहीं पर एक गैस है जिसको बोलते हैं CO2, और ये एक भारी गैस है, CO2 एक भारी गैस है। अब जब भारी गैस होगी तो वो पृथ्वी के धरातल के नज़दीक पाई जाएगी, भारी गैस पृथ्वी के धरातल के नज़दीक पाई जाएगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे खींचेगी तो नीचे पाई जाएगी। अब ये क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली जो है ताप को, सूर्य से आने वाले रेडिएशंस को ये आसानी से इनके अंदर आने देती है। अब सूर्य को क्यों आने देती है, सूर्य की किरणों को, क्योंकि सूर्य की किरणें ये लघु तरंगें होती हैं, क्या होती हैं, लघु तरंगें होती हैं, इनको रोकना इनकी बस की बात नहीं है। लघु तरंगों में क्या होता है, जो वेवलेंथ होता है इस तरीके से शॉर्ट होता है, जो वेवलेंथ होता है शॉर्ट होता है, तो ये फास्ट चलती हैं, इनके अंदर जो है चल एक तो गति तेज होती है और इनके वेवलेंथ क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लघु होते हैं, तो ये आसानी से सूर्य की तरंगें इनको भेद करके और पृथ्वी तक आ जाती हैं, पृथ्वी तक आ जाती हैं। अब यहाँ रात में सूर्य ढक गया, डूब गया, तो हमारी पृथ्वी करती है भौमिक रेडिएशन, कौन से रेडिएशन करती है, भौमिक, तो भौमिक रेडिएशन करती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन करती है, और ये होता है लॉन्ग वेव में, किस वेव में होता है, लॉन्ग वेव, यहाँ पर जो बनता है इसका वो वेवलेंथ इस तरीके से बनता है, दो जो है वेव्स के बीच में दूरी ज़्यादा रहती है, तो ये वेव जो है लॉन्ग वेव्स कहलाते हैं। तो अब ये लॉन्ग वेव्स अब ये आसानी से जो है इनको ये रोक लेता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इनको बाहर नहीं जाने देता है, पृथ्वी से बाहर वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता है कि ये अंतरिक्ष में चले जाए जो है, तो इनको रोक लेता है, तो इनको रोकता है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब ये चूँकि तापमान भी गर्मी भी जा रही है, तो जब गर्मी जा रही, गर्मी को रोक लिया, बाहर जाने नहीं दिया, तो फिर क्या होगा, पृथ्वी हमारी गर्म होने लगी, पृथ्वी हमारी गर्म होने लगी। तो एक प्रश्न आता है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, पूरी पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें वेरिएशन देखोगे, वेरिएशन -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर साइबेरिया में बर्फोयांश का रहता है, -60 -58 डिग्री सेल्सियस, और 55 से 58-60 डिग्री प्लस में तापमान रहता है आपका अल जजीरा का, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के पास में, तो प्लस में 57-58, तो इतना वेरिएट करता है, तो उसके बीच औसत जो निकाला गया है लगभग कितना आया है, 15 डिग्री सेल्सियस का वेरिएट जो है एक औसत आता है। लेकिन इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से थोड़ी सी मात्रा में जो है वृद्धि हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, तो उसके बढ़ने से क्या हुआ है कि पृथ्वी गर्म होने लगी, पृथ्वी हमारी गर्म होने लगी है, और उसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, तो इसी को कहते हैं भौमिक गर्माहट या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये जो है एक नया वो है, एक समस्या है हमारी पृथ्वी के समक्ष, तो इसी समस्या को समाधान के लिए को लेकर के बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं क्लाइमेट चेंज से संबंधित, ठीक है, तो हर साल होते हैं, जिसको COP बोलते हैं, COP बोलते हैं, ठीक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको बोलते हैं, COP बोलते हैं। अभी जो है आपका
कुछ महीने पहले भी हुआ था, ग्लैंड में हुआ था, हाँ ग्लैंड में हुआ था COP, ठीक हाँ, तो इस वहाँ वो तो एजेंडा इस वो तो इसी संबंधित है, हाँ तो इस तरीके से उसको हम जब पर्यावरण पढ़ेंगे तो पूरा बताएंगे वहाँ। तो इस तरीके से ये क्लाइमेट चेंज पर जो है सम्मेलन होते रहते हैं जिसको COP बोलते हैं। अब ये अलग अलग सम्मेलन होते हैं, ओजोन क्षय हो रहा है उसके लिए अलग से सम्मेलन होते हैं, भौमिक गर्माहट हो रहा है उसके लिए अलग से सम्मेलन होते हैं, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र डिस्टर्ब हो रही है इसके लिए अलग से सम्मेलन होते हैं, और सम्मेलन में कोई भी बात जो है जो वहाँ से निकल के आती है अपना वो एजेंडा लागू हो नहीं पाता है, क्योंकि विकसित देश इन्होंने तो सत्यानाशी कर दिया पूरी दुनिया का, सबसे पहले संसाधनों का खूब अंधाधुंध उपयोग किया, परमाणु हथियार जैसे चीज़ों को बना लिया, आप कह रहे हैं हम लोग कह रहे हैं तुम ना बनाओ तुम ना ये यूज करो, तो कौन बात मानेगा, तुमने तो सब करके सारा कबाड़ा कर दिया पूरी पृथ्वी का, अब हमसे कह रहे हो कि तुम विकास ही मत करो, तो कहाँ संभव है। तो फिर यहाँ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, टकराहट होती रहती है विकसित और विकासशील देशों के बीच में इस चीज़ को लेकर के, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे जब पूरे विश्व के सिनेरियो को देखेंगे तब। तो इस तरीके से ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हम बात करें, ऐसे ही हाइड्रोजन हीलियम और ओजोन और ज़ेनॉन ये सब गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ चार प्रमुख गैसें थी जिनके हमने क्रम देख लिया, क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये चार गैसों का सीरियल आपको याद रखना है, क्रम से इन चारों गैसों का याद रखना, परसेंटेज भी याद रखो 78%, 21% और 0.93% और 0.03%। तो ये क्रम आपको याद रखना है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, ये चार गैसों का क्रम याद रखना। अब ये गैस होगी, अब गैस के बाद हम लोग बात करेंगे ठोस पार्टिकल्स का, या पहले जलवाष्प की बात कर लेते हैं, जलवाष्प की बात करते हैं। देखो जलवाष्प को हम गैसीय अवस्था में रख सकते हैं तो इसको गैसीय पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, तो जलवाष्प यानी वाटर वेपर इसकी चर्चा करेंगे, ये भी हमारे वायुमंडल के संगठन का एक हिस्सा है वाटर वेपर। अब वाटर वेपर वायुमंडल में पहुँचता कैसे, जलवाष्प कैसे पहुँचता है, तो देखो हमारी पृथ्वी पर जैसा कि मैंने बताया पूरी पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है, जल है, तो 71% जल है, तो जल भाग का जब तापमान जल भाग पर पड़ता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो गर्म होकर के वहाँ से वाष्प बनता है, भाप बनता है, और भाप बन करके वायुमंडल में पहुँच जाता है, वही तो वही नमी जो वायुमंडल में पहुँचती है वही क्या कहलाती है, जलवाष्प, जल का वाष्प है तो जलवाष्प। और इसके अलावा हमारी मिट्टी में भी नमी है, हमारे पेड़ पौधों में भी नमी है, तो इनसे भी वाष्प पहुंचता है, तो इनको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं, कौन सी क्रिया कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से नमी कहाँ से पहुंचती है, पेड़ पौधों से, मिट्टी से, इसकी नमी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पहुंचती है, और जो है जलवाष्प की क्रिया वाटर बॉडी से पहुंचती है, वाटर बॉडी से जो है गर्म होकर के वाष्पीकरण की क्रिया से पहुंचती है। तो वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण की दो क्रिया है, वाष्पीकरण की क्रिया जल से होगी और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से होगी, हरे पेड़ पौधों से और मिट्टियों से, मिट्टी में नमी जो होती है वो भी गर्म होकर के भाप बन के निकलती है, ठीक। और इसके अलावा हम लोग कपड़े उपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं, उससे भी जो नमी निकल जाती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से। तो इस तरीके से ये जो है जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचता है। अब ये जलवाष्प भी जो है एक महत्वपूर्ण कारक है, जलवाष्प भी महत्वपूर्ण कारक है हमारी पृथ्वी पर, जितनी भी जलवायविक घटनाएँ घटित होती हैं जलवाष्प के कारण ही घटित होती हैं, चाहे वर्षा होनी हो, चाहे जो है बिजली चमकना हो, सब सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है जलवाष्प, बहुत सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है जलवाष्प। और जलवाष्प भी एक तरीके से जो है ग्रीन हाउस का जो है काम करती है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस का काम करती है, क्योंकि ये भी जो है सूर्य से आने वाली, ये वायुमंडल में जो है तैरती रहती जलवाष्प, तो सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को तो रोक लेती है, नहीं रोक पाती है, उसको तो आने देती है, लेकिन भौमिक विकिरण जो होता है उसको रोकती है। तो ये भी पृथ्वी के गर्माहट के लिए एक जिम्मेदार कारक है, कौन, जलवाष्प। तो प्रश्न आता है उसमें दे देगा निम्न में से कौन सी गैस या कौन सा कारक जो है ग्रीन हाउस का प्रभाव नहीं डालती है, ग्रीन हाउस का प्रभाव नहीं डालती है, तो उसमें दे देगा आपको जलवाष्प, उसमें दे देगा आपको मीथेन, उसमें दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें दे देगा ऑक्सीजन। तो कौन सा प्रभाव नहीं डालती है, ऑक्सीजन नहीं डालती है, प्रभाव नहीं डालती है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, ऑक्सीजन नहीं डालती है, मीथेन भी डालती है, मीथेन गैस भी जो है ग्रीन हाउस गैस का एक वो है, जब हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे तो वहाँ सारा बताएंगे कि कौन कौन सी गैसें जो है वो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। तो मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें नहीं है, ये पृथ्वी के गर्माहट के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इस तरीके से ये आपको वाटर वेपर भी उसी तरीके से काम करती है। अब ये देखो आपने ये घर देखे होंगे कांच वाले, कांच वाले, या फिर गाड़ी फोर व्हीलर में जाओ
गर्मियों में, उसके बाद में उसके अंदर जो है कुछ देर बाहर धूप में गाड़ी खड़ी रहे, फिर अंदर बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि सौरिक विकिरण को आने देता है और जो कार गर्म हो गई, कार की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है, तो कार बिल्कुल जो है गर्म हो जाता है। तो कांच ग्रह प्रभाव ही कहते हैं इसको, ग्रीन हाउस गैस को क्या कहते हैं? कांच ग्रह प्रभाव। और इसी प्रभाव का फायदा उठा करके वैज्ञानिकों ने कृषि की नए नए विधियाँ ईजाद की हैं। अब खेती जो है जहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, जहाँ पर बर्फ, अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में भी ग्रीन हाउस प्रभाव वाले जो है हाउस बना करके, पॉली हाउस बना करके खेती कर रहे हैं, वहाँ भी जो है टमाटर है, बैंगन है, भिंडी उपजा रहे हैं। अभी यहाँ देख लो, यहाँ पॉली हाउस बनाया है तो उसके अंदर जो है ऐसे अमरूद के फल होंगे या फिर कुछ पुष्प वगैरह होंगे, फूल वगैरह होंगे, उनकी खेती की जा रही होगी। तो ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। अब ये ग्रीन हाउस जो हमारा कांच है वो ग्रीन हाउस का ही काम करती है, और कांच इतना जो है इतने मात्रा में है नहीं, तो पॉली फाइबर आते हैं, कांच की जगह क्या आते हैं? पॉली फाइबर आते हैं। पॉली शीट्स भी वही काम करती हैं। पॉली शीट्स का काम क्या होता है? सौरिक विकिरण को अंदर आने देती हैं और भौमिक विकिरण को रोक लेती हैं। अंदर के जो ऑब्जेक्ट हैं, भौमिक विकिरण सब चीज़ों से होता है, ऐसा नहीं कि खाली ज़मीन से ही हो, चट्टानों से हो रहा है, किसी कोई लोहा पड़ा है उससे भी भौमिक विकिरण हो रहा है। पृथ्वी पर जो भी चीज़ें विकिरण करती हैं सूर्य के छिपने के बाद में, सब भौमिक विकिरण का ही। छत, आप गर्मियों में जो है छत पे सोने से पहले क्या करते हो? पानी डाल देते हो, जिससे कि बहुत तेज़ी से भौमिक विकिरण हो जाता है कि जल्दी से गर्मी उसकी बाहर निकल जाए। पानी गर्म हो जाता है ना, जैसे ही उसमें डालोगे पानी, एक भाप सी निकलती है, कभी कभी एकदम लौ सी निकलती है। तो लौ क्यों निकलती है? क्योंकि वो भौमिक विकिरण हो रहा है, और पानी डालते ही और तेज़ी से भौमिक विकिरण होने लगता है कि जल्दी से गर्मी निकल जाए, सोने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से ये सब जो है उस किसमें ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाते हैं, ग्रीन हाउस हरित ग्रह प्रभाव कहलाते हैं, जो कि कांच ग्रह की भांति कार्य करते हैं। तो जलवाष्प भी उसी में से एक है। ठीक, तो जलवाष्प के पहुंचने का जो है वो बता दिया कि किस तरीके से जलवाष्प वायुमंडल पहुंचता है और क्या इसकी फेनोमेना है, क्या कार्य है। अब हम लोग ठोस पदार्थ की बात करेंगे। ठोस तत्व जो हमारे वायुमंडल में है, ठोस तत्व कौन कौन से वायुमंडल में है? तो ये जो है धूल के कण हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, ठीक है, नमक के कण हो सकते हैं, नमक कण हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे ट्रक वगैरह छोड़ते रहते हैं कालिक, ट्रक वगैरह कालिक वगैरह छोड़ते रहते हैं, या फिर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से कालिक निकलती है, तो ये सब कालिक भी पहुँचते हैं। जो है काला काला कालिक होता है, ये भी ठोस पदार्थ में ही आता है। ठीक, इसके अलावा रेत है, धूल है, बहुत सारी चीज़ें, या और फिर पराग के कण भी पहुँच जाते हैं। परागकण होती जो ये होते हैं फूल वगैरह से निकलते नहीं, पराग के कण। बहुत लोगों को परागकण से भी एलर्जी हो जाती है, तो खुजली होती है, छींक आएगी पराग के कणों से, तो ये भी जो है परागकण भी वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। ये भी सब ठोस पदार्थ हैं। अब इनका बड़ा महत्व है, वायुमंडल में अगर ये ना हो तो जलवायु घटनाएँ ही नहीं घटित होंगी। इनका भी बहुत रोल है। जलवाष्प अपनी जगह महत्वपूर्ण है और ये अपनी जगह महत्वपूर्ण है। ये सब क्या करते हैं? न्यूक्लियस का काम करते हैं, नाभिक का काम करते हैं वायुमंडल में। महीन महीन कण तैरते रहते हैं। आप देखने के लिए कभी कभी क्या करो कि खिड़की जैसे बंद है और अचानक खोलो तो छोटे छोटे महीन महीन कण जो है तैरते हुए नजर आते हैं। यही सब क्या है? यही सब ठोस पदार्थ हैं, ये सब ठोस तत्व हैं। अब ये ठोस तत्व क्या करते हैं? जलवाष्प इन्हीं पर चिपकता है, ठोस तत्व पर ही जलवाष्प चिपकता है। अगर ठोस तत्व वायुमंडल में ना हो, नमक के कण, धूल के कण, राख, ज्वालामुखी के राख से भी पहुँच जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो राख भी वायुमंडल में पहुँच जाता है, इस तरीके से तो वायुमंडल में राख भी पहुँच जाता है। ठीक, तो ये सब क्या काम करते हैं? नाभिक का कार्य करते हैं। नाभिक का कार्य संघनन जो होता है वायुमंडल में, भाई वाष्प को संघनन होने की जो है, जब वाष्प होगा, जब संघनन होगा तभी तो वर्षा होगी, तो संघनन के लिए ये क्या काम करते हैं? नाभिक का काम करते हैं, केंद्रक का। अब इन्हीं से जो है जलवाष्प क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, जलवाष्प चिपकते रहते हैं। और जब तमाम नाभिक से जलवाष्प चिपकते रहते हैं, फिर आपस में टकरा टकरा करके वो बूंद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बूंद बन जाते हैं। फिर जब बूंद बन जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी लगा ही रही है, अपनी तरफ खींच लेगी और वर्षा होती है। तो अगर ये ना हो, नमक के कण, धूल के कण, रेत, ये सब ना हो वायुमंडल में, तो वर्षा होगी ही नहीं। जलवाष्प अपना ऊपर ही रहेगा और वो वाष्पीकृत होकर भाग जाएगा, वापस ही नहीं आएगा हमारे वायुमंडल में। लेकिन नाभिक एक ऐसा जो है तत्व है, ये सब जो नाभिक का कार्य करते हैं, न्यूक्लियस का काम करते हैं, नाभिक मतलब नाभि का काम करते हैं ये, और नाभि से जीवन होता है। इंसान का जीवन ही नाभि से शुरू होता है। नाभि जो हमारी ढोड़ी होती है, उसको नाभि बोलते हैं ना, यहीं से तो जीवन की उत्पत्ति होती है। तो अब ये पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण कारक है। वर्षा अगर नहीं होती तो जीवन संभव ही नहीं था, जीवन होती नहीं। एक समय ऐसा था कि बहुत लाखों वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा हुई और जो गड्ढे वड्ढे थे वो सब भर गए,
गड्ढे वड्ढे जो थे भर गए और महासागर बन गया। तो उसमें इन सारी चीज़ों का भी बहुत महत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी महत्वपूर्ण थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं होती तो वर्षा नहीं होती। शुरुआत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने ही जो है बादलों को जन्म देने के लिए और जो है कूलिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कई चीज़ों में महत्वपूर्ण है। तो इस लेकिन इन सब चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है तभी जो है हमारी पृथ्वी जैसी थी जैसा ईश्वर ने बनाया था वैसी बनी रहेगी। हम इंसान क्या करते हैं उसमें हस्तक्षेप करते हैं और हस्तक्षेप करते हैं तो इम्बैलेंस उत्पन्न होता है, असंतुलन उत्पन्न होता है और उसी असंतुलन को क्या कहते हैं प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण कोई अलग चीज़ नहीं है। जो हम असंतुलन जो उत्पन्न करते हैं असंतुलन पृथ्वी पर या फिर जो हम रिजिडुअल छोड़ते हैं जो यूज़ करने के बाद जो नष्ट नहीं होने वाले पदार्थ हैं उनको हम ऐसे डंप कर देते हैं छोड़ देते हैं। जैसे क्लास में आप खाए जो है टॉफी वॉफी खाए फिर रेपर छोड़ दिए सब क्या है प्रदूषण के कारक हैं। अब ये जो है इधर उधर फैले रहेंगे पड़े रहेंगे उड़ करके जो है हमारे मिट्टी में चले जाएंगे खेतों में चले जाएंगे और खेत हमारी जो है हम खेतों में भी जो है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है सब फिक्स होता है मिट्टियों में भी। अब इन मिट्टियों के छिद्रों को ये बंद कर देंगे कौन पन्नियाँ और पन्नी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जिसका जो है कोई वो मतलब मिट्टी में मिलता नहीं घुलता नहीं है। तो फिर छिद्र हमारे बंद हो जाएंगे और छिद्र बंद हो जाएंगे तो जो मिट्टी है मिट्टी को बहुत सारे पोषक तत्व वायुमंडलीय चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है तो मिट्टी की उर्वरता अपने आप ही धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हम अपने आप ही कुल्हाड़ी मारते हैं अपने पैरों पे ये सब काम करके तो यही सब प्रदूषण होते हैं। तो इन सब तत्वों का बड़ा महत्व है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर की किसकी संरचना की वायुमंडलीय संरचना। तो ये तो हमारा संगठन हो गया। संगठन में आपको ये तीन तत्व याद रखने हैं कौन कौन से गैसें और जलवाष्प और ठोस कण नमक और कालिख हो ये सब ठोस कण नमक के कण। अब हम लोग संगठन हो गया संरचना की बात करेंगे। देखो हमारी जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी पर दो पोल हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको थोड़ा और नीचे से बनाएं ये हमारी इमेजिन करो ये हमारी क्या है पृथ्वी है ये हमारी पृथ्वी है ठीक। अब इधर मान लेते हैं नॉर्थ पोल इधर क्या है नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल और ये मान लेते हैं इक्वेटर ये क्या है इक्वेटर ठीक। अब इक्वेटर है यहाँ से जब ऊपर जाएंगे ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर और ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत पाई जाती है जिस परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो परत है जो मंडल है उसको क्या कहते हैं क्षोभ मंडल। जो संरचना है हमारे वायुमंडल की ये 5 परतों से बनी है। संरचना हमारे वायुमंडल की कितने परतों से बनी है 5 परतों को पहले नाम लिख लेते हैं फिर चित्र में समझते हैं। पहला मंडल है कौन सा क्षोभ मंडल। ये सीरियल लगाने के लिए IAS तक की परीक्षाओं में आ जाता है ठीक क्षोभ मंडल है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है समताप मंडल और तीसरे नंबर पर है मध्यमंडल या मेसोफेयर मध्यमंडल है ठीक मध्य मंडल और चौथे नंबर पे है आयनोस्फीयर या आयन मंडल है और पांचवे नंबर पे है बहिर्मंडल ठीक। तो इस तरीके से ये 5 क्या है मंडल है ये बिल्कुल इसी क्रम में रहता है क्षोभ मंडल समताप मंडल मध्यमंडल आयन मंडल और बहिर्मंडल। अब इसको उलट दो फिर यहाँ कर दो फिट। तो ये यहाँ से पहले पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे तो पहला मंडल कौन सा पड़ेगा क्षोभ मंडल। पृथ्वी के नज़दीक वाला मंडल कौन सा है क्षोभ मंडल। अब इसका नाम ही है क्षोभ। क्षोभ का मतलब क्या होता है जो डिस्टर्ब हो जो व्यक्ति डिस्टर्ब होता है कहते हैं ये क्षोभ में है विक्षोभ में है हाँ दुख में है। दुख क्या मतलब एक तरीके से डिस्टर्ब है डिस्टर्बेंस होता है। तो इस मंडल में जितने भी दुख हैं जितने भी डिस्टर्बेंस है सब इसी मंडल की देन है किस मंडल की क्षोभ मंडल की। इसीलिए इसको क्षोभ मंडल कहा गया है अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं ट्रोपोस्फेयर अंग्रेजी में क्षोभ मंडल कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो अब ये इसकी ऊंचाई पूछता है सबसे ज़्यादा ऊंची कहाँ पर है विषुवत रेखा पर। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी विषुवत रेखा पर और सबसे नज़दीक कहाँ होगी ध्रुवों पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। 8 किलोमीटर की ऊंचाई क्षोभ मंडल की होती है अधिकतम सीमा 8 किलोमीटर तक होती है कहाँ पर ध्रुवों पर और अधिकतम सीमा कहाँ होती है जो है 18 किलोमीटर की कहाँ होती है विषुवत रेखा पर। तो ये 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर अगर इसका औसत निकालोगे तो 13-14 किलोमीटर आएगा।
13-14 किलोमीटर आएगा। तो क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है हमारी स्थल मंडल से कितनी है, 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है कितनी दूर तक पाई जाती है, 14 किलोमीटर तक। अब इस ये बहुत महत्वपूर्ण मंडल है, ये बहुत महत्वपूर्ण मंडल है, क्योंकि जितनी भी मौसमी घटनाएं, जितनी भी जलवायविक दशाएं हैं सब इसी में, यहीं बादल बनेगा, यहीं पर बिजली चमकेगी, यहीं पर बादल गरजेंगे, यहीं पर आंधियों का जन्म होगा, यहीं पर तूफान आएंगे, जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं सब इसी मंडल की देन है। तो प्रश्न आता है, सभी मंडलों का नाम दे देगा, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, कहेगा निम्न में से कौन सा मंडल वर्षा को जन्म देता है, तो कौन सा मंडल देता है, क्षोभ मंडल। बादल को कौन सा जन्म देता है, क्षोभ मंडल। अब इस मंडल में इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो एक हवाई जहाज़ उड़ाने वाला व्यक्ति, जो विमान चालक है, जो पायलट है, वो क्या इसमें आसानी से विमान उड़ा पाएगा? पता चलेगा कहीं बादल आ गया और कहीं पर जो है आंधी से उसको थपेड़ा लेना पड़ रहा है, तो विमान चालक बड़े चालाक होते हैं, जैसे ही रनवे से उठे वैसे ही पहले क्या करेंगे, ऐसे तिरछा उड़ाएंगे और पहुंच जाएंगे जो है क्षोभ मंडल के ऊपर, 14 किलोमीटर से ऊपर निकल जाएंगे। उनको सब पूरा ऑटो पायलट बताता रहता है कि हम कितनी ऊंचाई पर आ गए, फिर 14 किलोमीटर से बाहर निकल जाएंगे, वहां पर अब बड़ी आराम से बिल्कुल सो भी जाते हैं। जैसे उनको जाना है मुंबई से यात्रा करना है न्यूयॉर्क के लिए, और न्यूयॉर्क लगभग 8-10 घंटे में पहुंचना है, तो वो उड़ाते उड़ाते वहीं सो भी जाते हैं, ऑटो पायलट उड़ाता है, क्योंकि समताप मंडल में पहुंच गए, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से शांति से जा रहे हैं, दिशा उशा सब ऑटो पायलट चलाता रहता है, मशीन से मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, तो पायलट आसानी से जो है सोते भी रहते हैं, उनको अलर्ट कर देता है जब भी कोई दिक्कत होती है। तो इसलिए वो जहाज उड़ाना कहाँ पसंद करते हैं, समताप मंडल में। तो प्रश्न आता है कि जहाज कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में। इसके बाद वाला मंडल आएगा वो समताप मंडल। क्षोभ मंडल में इसीलिए नहीं उड़ाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। लेकिन अगर किसी को, जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो उसके फाइटर प्लेन क्या समताप मंडल से डालेंगे जो है बम वगैरह, वो तो वहाँ डालेंगे, पता चलेगा उड़ जा करके रूस पे ही गिरेगा, इतनी ऊंचाई से जब तक वो गिरेगा पृथ्वी घूम चुकी होगी, वो जा करके रूस पे ही गिरेगा, तो वहाँ से नहीं गिराते हैं। कहाँ से गिराते हैं, क्षोभ मंडल के निचले स्तर पे आकर के नज़दीक से। इसलिए फाइटर प्लेन को आपने देखा होगा उड़ते हुए, नज़दीक ही उड़ते हैं, क्योंकि उनको तो टारगेट हिट करना है, बम जब ब्लास्ट करना है, गिराना है, तो अपने टारगेट पे गिराना है। तो फाइटर प्लेन्स क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं, क्षोभ मंडल के निचले स्तर में ही उड़ते हैं। और हेलीकॉप्टर भी जो है इतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाता है कि समताप मंडल में चला जाए, हेलीकॉप्टर भी कहाँ उड़ता है, क्षोभ मंडल। सिर्फ प्लेन उड़ते हैं, जो वाणिज्यिक प्लेन है, जो लंबी दूरी के लिए जाना है उनको, वो जाते हैं। अब मान लो प्लेन को जाना है आगरा से लखनऊ, तो क्षोभ मंडल क्रॉस करके समताप मंडल थोड़े नहीं जाएगा, इतनी ऊंचाई जब तक वहाँ जाएगा तब तक तो लखनऊ पहुँच जाएगा, तो वो फिर क्षोभ मंडल में। लेकिन लंबी दूरी के जो विमान होते हैं वो आसानी से समताप मंडल पहुंच जाते हैं, वहां से आराम से यात्रा करते हुए जाते हैं। तो क्षोभ मंडल हमारा इसलिए जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर सभी प्रकार की जलवायविक घटनाएं घटित होती हैं। और इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस मंडल में आप जैसे ऊपर जाओगे तो तापमान क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है, तापमान घटता है। तो इस मंडल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि तापमान में गिरावट आती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। और जो गिरावट आने की जो दर है वो 165 मीटर आप जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा। और या तो फिर इसको बोलते हैं 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। दोनों समझ लो, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, और 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो 6.5 डिग्री की टेम्परेचर डिक्रीज होगी, कम होगी। इसी को कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। इसको एक शब्द दिया गया है, क्या, सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर। यानी सामान्य दर से जिस प्रश्न आता है कि सामान्य ताप ह्रास दर क्या है, तो 165 मीटर बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1000 मीटर बराबर 6.5 डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट नहीं, किसमें, सेल्सियस में। तो इसको बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। तो परीक्षाओं में पूछ लेता है कि सामान्य ताप ह्रास दर किसको कहते हैं, जब तापमान ऊंचाई बढ़ने पर, यानी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हो तो 6.5 डिग्री कम हो जाए तापमान, तो उसको कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। या फिर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाओ और तापमान कितना कम हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसी को कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर। अब यहाँ पर घुमा करके पूछ लेगा, 165 की जगह दे देगा 160 मीटर, 170 मीटर, तो कन्फ्यूज हो जाओगे, और 6.5 की जगह 7 डिग्री सेल्सियस दे देगा, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 की जगह वो दे देगा 7 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए, तो नहीं, कितना है, 6.5 डिग्री, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5, इसी को कन्वर्ट करके इसमें निकाला गया है, ठीक। तो इसी को सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। और जब कभी कभी क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ने लगता है, कभी कभी
ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ने लगता है। ऐसा होता है बादल नज़दीक आ जाए, बादल नज़दीक आ जाए, अब बादल क्या करेगा, भौमिक विकिरण को रोक लेगा, भौमिक विकिरण को रोक लेगा। तो फिर नीचे ग्राउंड पे तो मौसम ठंडा है और बादल के आसपास जाओगे तो तापमान बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इसी को क्या बोलते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण। जब सामान्य नियम के विपरीत काम हो तो उसको व्युत्क्रमण करते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो इसी को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब तापमान पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी दशाएँ बताएंगे कि कौन कौन सी दशाएँ जिम्मेदार हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए, यहाँ पर अभी नहीं। ठीक, तो इस तरीके से क्षोभ मंडल की ये विशेषता होगी। अब क्षोभ मंडल के ऊपर चलेंगे तो दूसरा मंडल क्या है, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर अगला मंडल क्या है, समताप मंडल। अब ये समताप मंडल जो है, इस ग्राउंड से, ये हमारी ग्राउंड है, इस तरीके से बना लेते हैं, इस ग्राउंड से लगभग 50 किलोमीटर तक, इस ग्राउंड से लगभग 50 किलोमीटर, यानी यहाँ लगभग जो 18 किलोमीटर है भूमध्य रेखा पर। अब ये भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर जो है 8 किलोमीटर क्यों, थोड़ा सा ये भी समझ लो, कौन क्षोभ मंडल की जो सीमा है वो इतना क्यों है, क्योंकि ध्रुवों पर क्या है जो है वहाँ पर शीत कटिबंध है, वहाँ पर क्या है शीत कटिबंध, और शीत में तो वैसे भी आदमी सिकुड़ जाता है, तो ये तो गैसें हैं, ये तो जो है तो ये भी सिकुड़ जाती हैं, तो नज़दीक आ जाती हैं, सिकुड़ करके कहाँ जाती हैं, नज़दीक। और भूमध्य रेखा पर तापमान ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है तो गैसें विरल हो जाती हैं, गैसें क्या हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, विरल हो जाती हैं, तो ऊंचाई पर चली जाती हैं। इसलिए 18 किलोमीटर तक कहाँ चली जाती हैं, विषुवत रेखा पर, और नज़दीक कहाँ आ जाती हैं, पोल्स पर, ध्रुवों पर, कौन क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। तो इस तरीके से ये प्रश्न कभी कभी आता है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, या कभी कभी प्रश्न आ जाता है जो है IAS की परीक्षा में, फैक्ट बनाकर दे देगा तथ्य, वो जो है एक स्टेटमेंट दे देगा कि क्षोभ मंडल पे, वो क्षोभ मंडल की सीमा विषुवत रेखा पे क्यों अधिक ऊंचे पाई जाती है। तो इसका यही कारण है कि तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर गैसें विरल हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं, तो ऊंचाई पर उठ जाती हैं, तो ये कारण है। अब ये जो यहाँ से जो 18 किलोमीटर या 14 किलोमीटर हम औसत मान लेते हैं, वहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक एक दूसरी पेटी पाई जाती है, परत पाई जाती है वायुमंडल की, जिसको बोलते हैं समताप मंडल। अब समताप मंडल, इसका नाम ही है क्या, समताप मंडल। इसका नाम समताप मंडल क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें लगभग लगभग सभी पूरे क्षेत्र में तापमान एक समान रहता है, पूरे क्षेत्र में तापमान एक समान रहता है, इसलिए इसको कहते हैं समताप मंडल। अब इस मंडल में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है गैस पाई जाती है बीचों बीच में, लगभग 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गैस की पेटी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ओजोन गैस। कौन सी गैस, ओजोन गैस। तो ये ओजोन गैस जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, समताप मंडल में। तो प्रश्न आता है, पहले हमारे किताबों में ओजोन परत को एक अलग से मंडल ही माना जाता था, अब सब कुछ चेंज कर दिया गया है, तो समताप मंडल में ही एक पेटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओजोन परत। अब ओजोन परत भी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुई है, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुई है, लेकिन ये पाई किस में जाती है, समताप मंडल में। तो प्रश्न आता है, इन चारों में से पाँचों में से कोई दे देगा, फिर कहेगा निम्न में से ओजोन परत या ओजोन गैसें किस मंडल में पाई जाती हैं, समताप मंडल में। अब इन दोनों मंडलों को अलग भी करता है ना, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग जो करने वाली पेटी है, अब जब अलग करेगा तो वहाँ पर दोनों की विशेषताएं पाई जाएंगी, क्षोभ मंडल की भी और समताप मंडल की, दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो संक्रमण पेटी होती है। कौन सी पेटी होती है, संक्रमण, और संक्रमण पेटी का नाम यहाँ पर रख दिया गया क्षोभ सीमा। कौन सी सीमा, क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। तो ट्रोपोपॉज अलग करती है किसको, समताप मंडल को। क्षोभ मंडल से समताप मंडल को अलग करने वाली पेटी क्या कहलाती है, क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। यहाँ पर बीच में लगभग 1.5-2 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है जो संक्रमण पेटी है, उसमें समताप मंडल की भी विशेषता पाई जाती है और क्षोभ मंडल की भी विशेषता पाई जाती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज दोनों को अलग करती है। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से भी आ जाता है कि क्षोभ सीमा किसको अलग करती है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को, और प्रश्न दे देगा वहाँ पर क्षोभ मंडल और मध्य मंडल को, क्षोभ मंडल और आयन मंडल को। आपको याद होगा कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है, तो टिक आप लगा करके आ जाओगे। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है क्षोभ सीमा है। अब समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है 30 से 40 किलोमीटर की बीच में। अब ये पृथ्वी को हमारे चारों तरफ से घेरे हुई है, ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ से घेरे हुई है लगभग 30-35-40 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका फार्मूला है O3, ओजोन का फार्मूला क्या है O3, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है O2। तो इसमें O2 में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल जाता है तो ओजोन का निर्माण हो जाता है। अब ये सूर्य की किरणें क्या करती हैं, सूर्य की किरणों में एक खतरनाक किरण आती है जिसको परावैगनी किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावैगनी, अल्ट्रा वायलेट रेंज बोलते हैं। कौन सी रेंज बोलते हैं,
अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जब आती है, किरण आती है, तो वो थ्री क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको पृथ्वी तक आने से रोकती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का काम कौन करती है, ओजोन गैस करती है। अब ये रोक लेती है, अगर ये आ जाए, ये खतरनाक गैस है, एक गैस कह रहा हूँ, ये अल्ट्रावायलेट एक खतरनाक किरण है, अगर अल्ट्रावायलेट हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी पर हम सबको मोतियाबिंद की बीमारी हो जाएगी, हमारे स्किन झुलस जाएंगे। खैर हम लोग तो इतने स्ट्रांग हैं, लेकिन जो शीत कटिबंध में रहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में रहते हैं, जिनकी चमड़ी जो है बिल्कुल लाल लाल होती है, भभूका, जैसे मुर्गा छिला हुआ देख लो ना, उसकी चमड़ी वैसे होती है, अफ्रीका वालों को नहीं फर्क पड़ेगा। तो जो अंग्रेज फंग्रेज हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं, जो छिले हुए मुर्गा की भांति उनकी स्किन होती है, तो वहाँ पर जैसे अल्ट्रावायलेट किरण आएगी, वो झुलस जाएंगी, उनकी त्वचा में जो है झुलस हो जाएगी, सब खुजलाएंगे, खुजली हो जाएगी। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है, जो है कौन कौन सी बीमारियाँ जन्म देती हैं, मोतियाबिंद की बीमारी जन्म देती है, आँखों में मोतियाबिंद हो जाता है, झुलसा रोग हो जाता है, जैसे आलू में झुलसा रोग होता है, तो इंसानों में झुलस जाएंगे, स्किन झुलसा रोग हो जाएगा। प्रश्न आते हैं कि अल्ट्रावायलेट के आने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, और जो घास है, जो ज़्यादा कोमल घास पत्तियाँ हैं, वो सब सूख जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, सब जो है मुरझा जाएंगी। तो ये अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक करके ओजोन हमारा बहुत मदद करता है, इसीलिए इसको ब्लैंकेट बोलते हैं, पृथ्वी का ब्लैंकेट है कौन, ओजोन, पृथ्वी को जो है कवच बोलते हैं, ब्लैंकेट नहीं, कवच बोलते हैं इसको, जो है रक्षा कवच बोलते हैं, पृथ्वी का रक्षा कवच कौन है, ओजोन। ब्लैंकेट तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जलवाष्प है ब्लैंकेट, जैसे सर्दियों में हम ब्लैंकेट क्यों ओढ़ते हैं, कंबल क्यों ओढ़ते हैं, कि अंदर की गर्मी को रोके रखें, तभी तो हम गर्माहट महसूस करते हैं, कंबल और इसे ओढ़ने का ही तो कारण है। कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है तीन चार चद्दर की लेयर बनाकर लेट, जो है अगर कंबल नहीं है तो तीन चार चद्दर अपना लिए और लेट जाते हैं, जिससे कि अंदर की उसमें बाहर नहीं निकल पाती है। तो इस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड वो सब ब्लैंकेट काम करती है, लेकिन ये रक्षा कवच है, हमारी पृथ्वी का रक्षा कवच कौन है, ओजोन परत है। तो इस तरीके से ये ओजोन, लेकिन हम डिप्लीट करते हैं ओजोन को, डिप्लीट करते हैं तो ओजोन की परतें कहीं कहीं बहुत नाजुक हो गई हैं, कहीं कहीं बहुत नाजुक हो गई, तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक आने लगी हैं। और ऐसा ज़्यादातर कहाँ देखने को मिला है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। कहाँ पर देखने को मिला है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो है ओजोन छिद्र पाया गया है, एक लंबी पेटी ओजोन छिद्र की देखी गई है। अब वहाँ पर चूँकि वहाँ कोई रहता नहीं, इसलिए नुकसान नहीं है वहाँ पर, वहाँ पर जो है क्या नाम है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो दक्षिण में है। तो लेकिन ये हुआ कैसे है, ये छिद्र क्यों हो रहा है, ओजोन क्यों डिप्लीट हो रहा है। हम इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे गैसें रिलीज करते हैं जिनको बोलते हैं सीएफसी गैसें। कौन सी गैसें, क्लोरीन और फ्लोरीन और कार्बन, तीन गैसों को मिला करके क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैसें बोलते हैं। अब ये गैसें पृथ्वी पर सतह पर रहेंगे तो नुकसान नहीं करती, जैसे एसी यूज करते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज में जो है गैसें जो यूज करते हैं, वो सब क्या रिलीज करती हैं, सीएफसी गैसें रिलीज करती हैं। बहुत सारी महिलाएं जो है कॉस्मेटिक का सामान यूज करती हैं, तो ये सब कॉस्मेटिक का सामान हुआ, ये सब क्या रिलीज करती हैं, सीएफसी गैसें यूज निकालती हैं। कौन सी गैसें, सीएफसी, रेफ्रिजरेटर, जितने भी शीतलक वाले सामान हैं, जितने भी एसी कंडीशनर वाले, जहाँ जहाँ भी एसी का इस्तेमाल होता है, सब सीएफसी गैसें रिलीज करती हैं। अब ये जा करके वो थ्री को ब्रेक करती हैं, इसको ब्रेक कर देंगी ऑक्सीजन और एक मॉलिक्यूल ओवन में। अब ये ब्रेक होंगी तो ये टूटती जाती हैं, ये क्या होती हैं, टूटती हैं। अब टूट करके कमज़ोर होती जाती हैं, तो वहाँ ओजोन की परत क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, और धीरे धीरे करके वहाँ छेद हो जाता है। और जब छेद हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट किरण आसानी से पृथ्वी पर आ जाएंगी। तो इसलिए जो है हमको इन सारी चीज़ों से भी बचना है, ज़्यादा मात्रा में हमको शीतलक का इस्तेमाल नहीं करना है, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उनसे भी सीएफसी गैसें रिलीज होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारे ओजोन की बात होगी। इसके बाद जो है समताप मंडल के ऊपर एक मंडल है जिसको बोलते हैं मध्य मंडल। 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक मध्य मंडल है जिसको बोलते हैं मध्य मंडल। 14 किलोमीटर औसत से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल। इसी में 30 से 40 किलोमीटर क्या हो गया, ओजोन परत या ओजोन गैसें। फिर 50 से 80 किलोमीटर तक कौन सा मंडल है, मध्य मंडल। अब ये बीच में है, इसलिए मध्य, क्योंकि पांच मंडल हैं, पांचों के बीच में है, दो ऊपर दो नीचे, तो इसको मध्य मंडल इसीलिए कहा गया है। तो इसको ध्यान रखना मध्य मंडल है। मध्य मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये सबसे ठंडा परत है हमारे वायुमंडल की, ये सबसे ठंडी परत है। यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। तो ये सबसे, कभी कभी पूछ लेता है कि हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, मध्य मंडल है।
कौन सी परत है? मध्य मंडल है। तो सबसे ठंडी परत यह है। यहाँ पर तो -80 डिग्री तक तापमान आ जाता है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर, क्षोभ सीमा तक -80 डिग्री तक टेम्परेचर घट के आ जाता है। यहाँ से घटता है, मैंने बताया तापमान घटता जाता है, तो -80 तक तो आ जाता है, लेकिन -100 तक जो है क्षोभ किसकी विशेषता है? मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल की विशेषता हो गई। और ये 50 से 80 किलोमीटर तक। अब इसके ऊपर एक मंडल है जिसको बोलते हैं आयन मंडल, जिसको क्या बोलते हैं? आयन मंडल। ये चौथा मंडल है। आयन मंडल एक, इसका नाम ही आयन पड़ा है क्योंकि यहाँ पर आयोनाइज्ड क्रिया होती है। यहाँ पर कौन सी? आयोनाइज्ड क्रिया होती है। आयोनाइज्ड क्रिया क्या होती है? यहाँ पर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव जो है आवेश जो है वो जो चार्ज होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, इसीलिए इसको आयन्स बोलते हैं। भाई आयन्स टकराते हैं ना, तो वहाँ पर एक नई एनर्जी रिलीज होती है। तो इस मंडल की यही विशेषता, यहाँ पर जो है विद्युत चार्ज पाए जाते हैं, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। यहाँ के कण क्या होते हैं? विद्युत आवेशित कण होते हैं, इसीलिए इसको आयन मंडल कहते हैं। और इसके अलावा हमारी पृथ्वी से एक रेडियो तरंग जाती है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे जो है चैनल सुनते हैं, जो आवाज़ आती है वो इसी मंडल की विशेषता है, आयन मंडल। यहाँ से रेडियो स्टेशन से एक जो है रेडियो वेव्स छोड़ा गया, क्या छोड़ा गया? रेडियो तरंग। और रेडियो तरंग आयन मंडल में जा करके वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट कर दी जाती है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर हमारे रिसीवर्स लगे हैं, वो रिसीवर्स डिकोड करके फिर स्टेशनों पे भेजे जाते हैं। जैसे हमने विविध भारती लगा दी, हमने BBC लंदन लगा दिया, सब चैनल लगाते हैं ना, सुनते हैं, तो वो सब किससे संभव हुआ? आयन मंडल के कारण। आयन मंडल को पुनः जो है DEFG इस तरीके से इन जो है उसमें बांट दिया गया है, लेयर्स में, अलग लेयर्स में फिर से बांट दिया गया है। और ये सब लेयर्स क्या है? फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही जो है रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजती हैं। और हमने बताया था कि एक अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस, उत्तरी ध्रुव पर एक और दक्षिण ध्रुव पर प्रकाश की एक चमक दिखाई देती है। जब हम पढ़ रहे थे सौर मंडल, तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो सौर ज्वालाएँ हैं हमारे सूर्य से, जो सौर ज्वालाएँ निकलती हैं ना, सौर ज्वालाएँ निकलती हैं, तो वहाँ सूर्य का तापमान वहाँ कम हो जाता है क्योंकि सूर्य की आंधी चलती है, सूर्य में ज्वालाओं की आंधी चलती है, और वो आंधी कभी कभी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती हैं चमक के रूप में। तो उसको उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देती है, तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस, जो ध्रुव पर चमकता है, चमक दिखाई देता है, तो उत्तरी ध्रुव पर उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। और दक्षिण ध्रुव पर जो वो चमक दिखाई देती है तो उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है, तो उसी के नाम से याद कर लो। तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस किसको बोलते हैं? दक्षिण में जो चमक, ऑस्ट्रेलिया का मतलब ही होता है दक्षिणी, इसीलिए उसको ऑस्ट्रेलिया नाम ही रख दिया गया महाद्वीप को। तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है दक्षिण के ध्रुवों पर चमक दिखाई देती है। और ये चमक कहाँ से आती है? जो सौर ज्वालाएँ हैं, जो सौर की आंधियाँ हैं, वो हमारे आयन मंडल में प्रवेश करती हैं, और वहीं पर जो है एक आवेश उत्पन्न होता है, और वही आवेश हमको ध्रुवों पर दिखाई देता है जो चमक के रूप में दिखता है। तो ये किससे संबंधित है? आयन मंडल से संबंधित है, इसीलिए आयन मंडल महत्वपूर्ण जो है एक मंडल है। अब ये इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर के लगभग 640 किलोमीटर तक है। कहाँ तक है? 640, 700, 800 कुछ लोग बताते हैं, लेकिन 640 एक मान लेते हैं। तो 640 किलोमीटर तक क्या है? आयन मंडल की सीमा है। अब इसके बाहर निकलोगे तो बहिर्मंडल शुरू हो जाता है। कौन सा मंडल? आखिरी मंडल, बहिर्मंडल या बाह्यमंडल, बहिर्मंडल या बाह्यमंडल। अब ये लगभग 1000 किलोमीटर तक ये मंडल है। इस मंडल में तापमान बढ़ता जाता है, लेकिन तापमान बढ़ता है तो वहाँ आपको गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ गैस क्या है? विरल है। यहाँ पर गैस क्या है? विरल है। बहुत हल्की गैसें यहाँ पाई जाती हैं, जैसे हीलियम जैसी गैसें, हल्की गैसें यहाँ पाई जाती हैं, तो ये बहुत विरल, यहाँ पर जो है डेंसिटी कम होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा रिकॉर्ड होगा, टेम्परेचर तो ज़्यादा रिकॉर्ड होगा, लेकिन आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। अभी ये जो सेरेना विलियम्स वगैरह ये सब जाती हैं, इसी में रह करके चक्कर मारती हैं पूरी पृथ्वी का, कहते नहीं पूरी पृथ्वी पर मैराथन कर लिया, दौड़ लगा लिया, तो इसी में जा करके। और इसके बाहर जाओगे तो अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। 1000 किलोमीटर के बाहर क्या शुरू हो जाता है? अंतरिक्ष। जितने भी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च किए जाते हैं यहीं पे बहिर्मंडल के आसपास, जो है जो PSP वाले सैटेलाइट्स हैं, जो पोलर सैटेलाइट्स हैं, वो सब यहीं लॉन्च किए जाते हैं, यहाँ शुरू कर दिया जाता है। कहाँ से? वो आयन मंडल से, आयन मंडल से शुरू कर दिया जाता है स्थापित करना। अब ये जो PSV पोलर सैटेलाइट्स हैं, ये क्या करते हैं? पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ये किसका चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी का। तभी तो जो मैराथन दौड़ने वाले हैं पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, वो इसी मंडल में रहकर के चक्कर लगाते हैं। और इसके ऊपर लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊपर जो हमारी अंतरिक्ष है, वहाँ पर एक सैटेलाइट छोड़ा जाता है। वो सैटेलाइट क्या होता है कि पृथ्वी के साथ घूमते हैं। वो किसके साथ घूमते हैं? पृथ्वी के साथ। तो जैसे मान लेते हैं कि हमको आगरा के ट्रैफिक व्यवस्था को देखना है, आगरा के
ट्रैफिक व्यवस्था को देखना है। तो आगरा के ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर GSLV सैटेलाइट लॉन्च कर दिए जाते हैं और वो सैटेलाइट आगरा के साथ साथ चक्कर लगाएंगे, तो आगरा का पूरा जो है सिनेरियो भेजते रहते हैं। लेकिन अगर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना है, ऐसे खुफिया सैटेलाइट्स होते हैं जो अमेरिका ज़्यादा यूज करता है, वो ऐसे सैटेलाइट लॉन्च कर देगा, फिर सभी देशों पर निगरानी रखता है, क्योंकि बारी बारी से सब देश का वो निगरानी करता रहता है चक्कर लगाते लगाते। तो ऐसे ही यहाँ पर मैराथन दौड़ जो करते हैं अंतरिक्ष यात्री जा करके, यहीं पे उतर जाते हैं और पूरी पृथ्वी का चक्कर मार लेते हैं, 4 घंटे में 5 घंटे में दौड़ करके पूरी पृथ्वी का चक्कर पूरा कर लेते हैं। अब इसका सरकमफेरेंस हमने बताया था, पूरी पृथ्वी का परिध कितना है, लगभग 40,000 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 40,000 किलोमीटर इसका परिध है। अब ये सब दौड़ दौड़ करके 4-5 घंटे में पूरा कर लेते हैं, सब 40,000 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमने पूरी पृथ्वी से लेकर के और ऊपरी वायुमंडल तक इसकी हमने क्या अध्ययन की, संरचना, स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें मोटा मोटी हम लोग क्या याद रखना है, 5 संस्तरों में संरचना मतलब हमारी वायुमंडल को बांटा गया है। सबसे निचली सतह पर जो पृथ्वी की सतह पर है वो क्या है, क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर समताप मंडल, और उसके ऊपर मध्य मंडल, और उसके ऊपर आयन मंडल, और सबसे बाहर बहिर्मंडल। अब इनको अलग करने वाली सीमा को एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पर क्षोभ सीमा है जो किसको अलग करती है, समताप मंडल को क्षोभ मंडल से, और समताप मंडल को मध्य मंडल से जो अलग करती है उसको समताप सीमा कहते हैं। कौन सी सीमा कहते हैं, समताप, समताप सीमा, या फिर स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। समताप मंडल की अंग्रेजी है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल की अंग्रेजी क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोपॉज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज या समताप सीमा किसको अलग करती है, मध्यमंडल को समताप मंडल को, मध्यमंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली सीमा क्या कहलाती है, समताप सीमा। कौन सी सीमा, समताप सीमा। और इसके अलावा मध्यमंडल को आयन मंडल से जो अलग करती है उसको कहते हैं मध्य सीमा। कौन सी सीमा, मध्य सीमा, मध्य सीमा। यानी निचले वाले मंडल के नाम के पीछे सीमा लगा दो तो वही क्या हो जाएगा, संक्रमण पेटी, दो परतों को अलग करती है। तो मध्यमंडल किसको अलग करती है, आयन मंडल को, मध्यमंडल अलग कर, मध्य सीमा अलग करती है मध्यमंडल को आयन मंडल से, या इसको मेसोपॉज बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेसोपॉज, क्योंकि मध्यमंडल की अंग्रेजी होती है मेसोफेयर, मध्यमंडल की अंग्रेजी क्या होती है, मेसोफेयर या मेसोस्फेयर, ठीक। तो इस तरीके से ये इनकी अंग्रेजी भी हो गई और ये इनको अलग करती है, लेकिन आयन मंडल और बहिर्मंडल के बीच कोई इस तरीके से जो है एक संक्रमण पेटी नहीं पाई जाती, इसलिए वहाँ पर इसका कोई जिक्र नहीं किया जाता है, क्योंकि ये दोनों जा करके बिल्कुल वहीं पर मिल जाती हैं आपस में। तो इस तरीके से ये पूरा जो है हमने यहाँ पर इनको स्ट्रक्चर को भी समझा, और इसके अलावा हमने कंपोजिशन भी समझा, संगठन भी समझा, कौन कौन से तत्वों से पृथ्वी के वायुमंडल की रचना हुई है। अब कल इसके बाद हम लोग शायद तापमान पर अध्ययन करेंगे, देखेंगे अगला टॉपिक जो भी होगा।